मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं जन टीवी परिवार की ओर से। हम बात करेंगे आज एक ऐसे धार्मिक महत्व की, अगर हम बात करें मकर संक्रांति की। संक्रांति एक साल में 12 होती है, लेकिन मकर संक्रांति जिसका खास महत्व होता है, इसी को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद रहेंगे, हमारे साथ डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब जुड़े हुए हैं, पुरुषोत्तम गौड़ साहब जाने माने ज्योतिषाचार्य। जाना चाहिए तो चले, हमारे साथ डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब जुड़ चुके हैं। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा। साल में 12 संक्रांति होती है, एक मकर संक्रांति भी होती है, इसे का महत्व क्यों है? आपके म्यूट क्या हुआ है शास्त्री साहब? आपके यहां से म्यूट है, इसे अनम्यूट करिए। आपके यहां से म्यूट है शास्त्री साहब, इसे आप एक बार अनम्यूट करिए। अब आ गए हैं? आ रही आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति इन 12 संक्रांतियों में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये अयन संक्रांति है और अयन संक्रांति के साथ ही, इस संक्रांति के साथ ही देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है, अर्धरात्रि समाप्त हो जाती है और ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जो मकर संक्रांति होती है, इस मकर संक्रांति में गीता में भी कहा है अष्टम अध्याय में कि अग्नि ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो इस उत्तरायण काल में की प्रतीक्षा भीष्म पितामह ने भी की थी, और क्योंकि इस उत्तरायण काल में जिनकी मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, शुक्ल पक्ष में जिनकी मृत्यु होती है मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो गीता में भी जो वर्णन भगवान कृष्ण ने कहा है, तो इसलिए जब वहां के उनके जो ज्योतिषी थे उस समय 5 पांडवों में एक जो सहदेव थे वो स्वयं ज्योतिषी थे, और उन्हीं से भीष्म पितामह ने पूछा था कि मुझे कब, अभी क्या तिथि चल रही है, और उन्होंने जब बताया कि अभी उत्तरायण आने वाला है, और जब उत्तरायण आया तो वो प्रतीक्षा करके, और उस उत्तरायण की प्रतीक्षा करके जब मकर संक्रांति आई, उसके बाद जब उत्तरायण आया तब उन्होंने अपना देह त्याग किया। मकर संक्रांति बहुत ज्यादा आ रही है, प्लीज आप लोग कोई बीच में ना बोले क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। जी कंटिन्यू करिए शास्त्री साहब। तो इसलिए ये मकर संक्रांति एक तो ब्रह्मकाल है देवताओं का, दूसरा ये मोक्षदायिनी होती है, तीसरा ये है कि हमारे यहाँ वेदों में धर्मशास्त्र में जो पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, एक उत्तर एक दक्षिण खंड, विषुवत रेखा नाड़ीव्रत के दक्षिण भाग और उत्तर भाग में 24 क्रांतियां होती हैं, और ये अर्ध नारेश्वर का स्वरूप होता है। तो अर्ध नारेश्वर के स्वरूप में ऋत अग्नि और ऋत सोम, ऋत अग्नि दक्षिण से उत्तर की ओर आती है और ऋत सोम जो तत्व है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, और इन दोनों का जो हवन होता है, यज्ञ होता है, उससे ही सृष्टि चलती है और वही प्रजापति कहलाती है,
और इसीलिए ये जो मकर संक्रांति है ये इसमें एक विशेष जो अग्नि सोमात्मकम जगत है पूरे विश्व के लिए ये एक विशेष प्रकार की अलौकिक सृष्टि और अलौकिक सुख और आनंद की देने वाली होती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होती है मकर संक्रांति। बिल्कुल, उसे इसका एक धार्मिक महत्व होता है और उसी के साथ दान पुण्य का सिलसिला भी चलता है। अल सुबह से ही लोग इस सिलसिले से जुड़ जाते हैं और अपना एक महत्व मान करके चलते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस दिन विशेष रूप से स्नान किया जाता है, जो तीर्थ स्थल जिन्हें कहते हैं जहां पे कुंभ मनाया जाता है, या फिर कहें कि उन तटों पे जाकर के स्नान करते हैं जहां का अपना एक पौराणिक महत्व है। साथ ही दान पुण्य के साथ साथ एक तर्पण का महत्व भी इस दिन बताया जाता है कि उस दिन दान पुण्य के साथ साथ आराध्य तर्पण यही कुछ चीजें होती हैं जिसका एक अपना बड़ा महत्व होता है। और कुछ लोग अलग अलग जगह पे जाकर के इसका कुछ श्राद्ध की भी बात कही जाती है कि तर्पण के साथ साथ जो कुछ दिवंगत हो जाते हैं उन लोगों का अलग अलग किदवंतियां हैं, अलग अलग इस बात की बातें हैं। चलिए, हमारे साथ रोहित गंगवाल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई भी खुशी आप मनाइए लेकिन दूसरे की जान पर भारी होकर के नहीं। हम उन पापताओं की बात कर रहे हैं, उन जानवरों की बात कर रहे हैं, पक्षियों की बात कर रहे हैं, या फिर उन आम राहगीर की बात कर रहे हैं। हम थोड़ी भी अगर लापरवाही कहीं पे भी बरतते हैं तो उसका खामियाजा किसी को भी उठाना पड़ सकता है। बेशक आपका गुनाह नहीं है लेकिन किसी के गुनाह की वजह से आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। गुनाह मैं या इस वजह से कह रहा हूं कि थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप जिस मंजे का काम ले रहे हैं उसको कहीं अगर उलझा हुआ तो बेवजह किसी को उलझा करके गिरने के लिए उसे ना खींचे। जो गवर्नमेंट ने समय मुकर्रर किया है कि आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को जो पक्षियों का आवागमन का टाइम रहता है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए रोहित जी आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह की व्यवस्था की है इस बार? आप लोग हर बार कुछ ना कुछ डॉक्टर्स के साथ में बैठते हैं, आपका एक एनजीओ है, उन बेजुबान जानवरों को एक नई जान देता है, एक नई जिंदगी देता है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ में जुड़े, क्या कुछ रहा आपकी बार? नमस्ते रोहित जी, अगर आप अकेले, रोहित जी अगर आप अकेले हैं तो आप मास्क हटा सकते हैं जी। अब सही है रोहित जी, आप तक मैं पुरुषोत्तम गौर साहब हमारे साथ जुड़ आना चाहूंगा। दान पुण्य का महत्व बताया जाता है, उसके साथ स्नान का महत्व बताया जाता है, साथ ये भी कहा जाता है कि तर्पण का दिन भी होता है। देखिए ये बात सही है कि मकर संक्रांति का दिन जो है स्नान दान पुण्य जप और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि को छोड़ते हुए अपने पुत्र शनि की राशि में मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इस दिन से सूर्य देव की यात्रा दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होने लगती है, दिन लंबे और रात छोटे होने लगती है। वहीं इस वर्ष सूर्य का मकर राशि में परिवर्तन को लेकर के आपको बता दें कि प्रातः सुबह 8 गौर साहब आपकी आवाज बहुत इको हो रही है, गौर साहब आपकी आवाज बहुत इको हो रही है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो अपना मकसद रहेगा किसी तक बात पहुंचाने का वो थोड़ा सा इको होके जा रहा है, तो वो स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आवाज ठीक आ रहा है? आप थोड़ा सा नजदीक आइए, थोड़ा नजदीक आइए अपने सिस्टम के, क्योंकि आप थोड़ा सा दूर हैं तो उसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। आप थोड़ा नजदीक रहेंगे तो हम सभी लोग सिस्टम से जुड़े हुए हैं जी। हाँ बिल्कुल जी, गौर साहब कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देखिए ये मकर संक्रांति का जो दिन होता है स्नान दान पुण्य और पूजा पाठ के लिए विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि को छोड़ते हुए अपने पुत्र शनि की राशि में मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्यदेव की यात्रा दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रारंभ होती है और दिन लंबे और रात छोटे होने लगती है। सूर्य मकर राशि में परिवर्तन लेकर के कोई भी मतभेद नहीं है। इस बार प्रातः 8:05 से लेकर और संपूर्ण दिन पुण्य काल पर्व रहेगा। वही सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में दोपहर
2:29 पर प्रवेश करेंगे। आप यहाँ जो बात कर रहे हैं मकर संक्रांति पर, जो मल मास है ये खत्म होता है और शुरू होंगे शुभ मंगल कार्य। सूर्य जब धनु राशि में यात्रा करते हैं उस समय मल मास लग जाता है, इस दौरान शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ऐसे में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही सभी तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत दोबारा से होने लगती है और मल मास खत्म होने के साथ ही, चाहे वो शादी हो, मुंडन संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, नीव मुहूर्त हो, वह संपूर्ण मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। दान पुण्य की बात करें, देखिए ये दान पुण्य का पर्व होता है और दान पुण्य का पर्व इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ त्रिग्रही योग भी बन रहा है और राशिगत भी दान पुण्य होता है। आप तो जानते हैं कि राशि के अनुसार दान पुण्य की बड़ी परंपरा है। जैसे मेष राशि के जातक है, इनके लिए गुड़ मूंगफली तिल का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। जी। वहीं वृषभ राशि की बात करें तो सफेद कपड़ा दही तिल दान करना बहुत श्रेष्ठ होता है। मिथुन राशि वालों की बात करें तो मूंग की दाल, चावल, कंबल का दान करना और ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है। कर्क राशि वालों के लिए चावल, चांदी, सफेद तिल का दान करना बहुत उत्तम होता है। सिंह राशि की बात करें तो गरीबों को कंबल और देना और तांबे का बर्तन गेहूं देना। गौर साहब, यहाँ पे गौर साहब, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्योंकि समय कम है, एक एक राशि बताएंगे तो समय लग जाएगा, ऐसा कुछ है कि समय के लिए कॉमन हो जो दान पुण्य में काम आ सकता है? देखिए आप ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। कॉमन की बात करें तो तिल के लड्डू देना बहुत ही उत्तम रहता है। इस दिन गायों को हरा चारा देना बड़ा शुभ होता है। साथ में गरीबों की सेवा करना, क्योंकि गरीबों को जो कंबल दान आदि करते हैं तो इससे शनि और शनि के पूजन करना, इस दिन तीर्थ में स्नान करना आदि बहुत पुण्य माना जाता है। जो लोग तीर्थों में सरोवर में स्नान नहीं कर सके वो अपने घर में पानी की बाल्टी में गंगा जल और सफेद तिल गुड़ डाल करके स्नान करें, ये भी उतना ही पुण्य फलदायी रहता है। साथ ही दान पुण्य की बात करें, ऐसा है दीनहीन लोगों की सेवा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास में आऊंगा। रोहित जी, आप अगर एक जगह कहीं पे स्थिर हो सके तो, क्योंकि अगला सवाल मेरा आप ही से होगा। जी रोहित जी, जयपुर में आप लोग ये व्यवस्था करते हैं, राजस्थान में और भी कहीं है ये आप लोग जो पक्षियों के लिए कर रहे हैं? नहीं, राजस्थान में अभी इस समय नहीं है, पर हम लोग डिजास्टर का मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कोई भी आपदा आ जाती है पक्षियों की तो हम लोग पूरे राजस्थान में रेस्पॉन्स करते हैं। अभी जो ये, चूंकि हम जयपुर में बेस्ड हैं और यहाँ हमारी नीड सबसे ज्यादा है, क्योंकि पक्षियों की जो नंबर है वो सबसे ज्यादा जयपुर में ही होते हैं। जी। तो अभी हम लोग जयपुर में बेस्ड है और करीब 3 कैंप है जयपुर में, और आज जैसे करीब 27 पक्षी आज हम लोग ने ट्रीट किए हैं और अनुमान 3 दिनों में करीब 1,001 पक्षी मांझे से घायल होके इस कैंप में आएंगे। बिल्कुल, तो कितनी टीमें लगाई हुई आप लोगों ने जयपुर में? अभी अपने पास करीब 17 जनों की वेटनेरियंस की टीम है, जो कि विश्व और भारत के जो प्रसिद्ध एक्सपीरियंस्ड एवियन वेटनेरियंस है, जो पक्षी के विशेषज्ञ सर्जन है, वो अभी जयपुर में मालवीय नगर अपने स्थित शेल्टर पे उपस्थित है। और इसके अलावा वॉलंटियर्स जो हैं, वॉलंटियर्स की करीब आप मान लीजिए 60 जनों की टीम है, जो अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में गठित है, जो खाली बर्ड को लाती है और शेल्टर देकर चले जाती है। तो मिनिमलिस्टिक अप्रोच से मैक्सिमम जो हम काम कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं एज पर द प्रोटोकॉल। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि कोविड का टाइम है और कोरोना को ध्यान में रखते हुए हर कोई अपना फर्ज अदा कर रहा है। निश्चित रूप से ये मकर संक्रांति भी एक बड़ा पुण्य की बात है कि आप उन बेगुनाह बेजुबान परिंदों की जान बचा रहे हैं, और हम अक्सर देखा भी करते हैं कि कहीं उनके मंजे का कट कहाँ पे लगा हुआ है, कहीं कहाँ पे वो जिस घायल अवस्था में होते हैं उन्हें ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं। मुझे ध्यान है कि एक विधायक जी के यहाँ पे एक मोर के पंख कट गए थे मंजे की वजह से, उन्हें 2 महीने तक उस मोर को ठीक करने में लगे, और निश्चित रूप से कोई तो उनके सुध लेता है। और मुझे लगता है कि आपका ये जज्बा है, आप लोगों को ईश्वर हिम्मत दे और आप इसी तरह से बदस्तूर इस काम को आगे जारी रखें। जन टीवी की ओर से जो सहयोग आपका हो सकेगा हम जरूर आपके लिए करेंगे, और निश्चित रूप से उन परिंदों का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। प्रशासन ने भी
अपील यही की है कि दो वक्त होते हैं, एक जो इनका मूवमेंट होता है, आप उस वक्त अगर थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे पतंगबाजी को, तो मुझे लगता है कि वो लोग, वो जो पक्षी हैं जो बेजुबान हैं, उनको बड़ी राहत रह सकेगी, क्योंकि वो अपनी उड़ान को केवल आपकी पतंग के शौक की वजह से नहीं रोक सकते। जब हम नहीं समझ सकते जिसे इंसान के रूप में देखा जाता है, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बेजुबान परिंदे आपकी पतंगबाजी के शौक को पूरा कराने के लिए अपने घोंसले से बाहर ना निकले। चलिए एक बार मैं विनोद शास्त्री साहब का रुख वापस करना चाहूंगा। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक स्नान के महत्व की बात आती है इसमें, बहुत सारे लोग अलग अलग तीर्थ स्थलों पे जाते हैं कि वहां जाकर के और कुछ तर्पण भी करते हैं, क्या कुछ स्नान का विशेष महत्व क्यों है? तीर्थ स्थलों पर वैसे तो स्नान के अलग अलग उनके स्नान, जैसे जल में स्नान ही श्रेष्ठ है, पर नदियों में, तीर्थों में, संगम में, समुद्र में स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इसी में मकर संक्रांति के दिन सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनकी मोक्ष भी हुई थी और गंगा सागर में, इसीलिए इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व होता है। और गंगा सागर में शास्त्री साहब किसे के ऐसे बहुत साउंड आ रहा है, अगर आप लोग उसको थोड़ा बंद कर दें तो, क्योंकि आवाज केवल साउंड की जा पा रही है, आप लोगों की नहीं जा पा रही है। चलिए क्लियर है। हाँ जी शास्त्री साहब, तो गंगा सागर में स्नान करने का बहुत महत्व होता है, ये एक विशेष अलौकिक, किसी के ऐसे ये साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है और ये साउंड हम सबको डिस्टर्ब कर रहा है। रोहित जी आपके यहाँ से है साउंड? नहीं हमारा ठीक है। तो गंगा सागर में स्नान करने का महत्व, साथ में वैसे तो अपने यहाँ पर आजकल की स्थितियां जैसी बन रही है, जल का अभाव है, तो गंगा जल डाल करके, जैसा अभी पुरुषोत्तम जी ने बताया कि गंगा जल डाल के और अपने पात्र में ही स्नान किया जाए तो ठीक है। वैसे इस दिन तर्पण का और स्नान का, क्योंकि तर्पण से पहले स्नान जरूरी होता है और अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा और तर्पण अर्पित किया जाता है उसके लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है, क्योंकि सभी संक्रांतियों में ये संक्रांति विशेष रहती है, क्योंकि अयन संक्रांति है, देवों का ब्रह्मकाल प्रारंभ होने वाला होता है और इसी में ये पुण्यदायिनी मानी जाती है, क्योंकि इसी में दान का और पुण्य का भी तर्पण के साथ विशेष महत्व रहता है, क्योंकि जो दान देते हैं ये जो शनि, से बहुत ज्यादा साउंड आ रही है और साउंड ऑन एयर जा रही है, कुछ लोगों के कहा जा रहा है कि आवाज समझ में नहीं आ रही है, साउंड ऑन एयर जा रही है। मैं पीसीआर से भी कहूंगा कि जिसके यहाँ से साउंड है थोड़ा सा उसको म्यूट करवाइए, क्योंकि बहुत ऑन एयर जा रही है और बहुत शास्त्री साहब की आवाज बिल्कुल नहीं जा पा रही है। जी शास्त्री साहब, मैं एक बात और जानना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है आपसे भी और पुरुषोत्तम जी से, इस बार कुछ अनूठा या ये कहूं कि अलग संयोग बन रहा है? देखिए वैसे तो ये अनूठा ही है कि इस बार मिश्रा शुक्रवार को प्रारंभ है, इसलिए मिश्रा संज्ञा है इसकी, और बालव करण में प्रारंभ हो रही है, तो जो संक्रांति है उसका वाहन बाघ है और उपवाहन अश्व है। ये कुमकुम लेपे हुए, पीत वस्त्र धारण किए हुए और चमेली के पुष्प की माला धारण करके चांदी के कटोरे में खीर लेके एक युवती के रूप में बैठी हुई ये प्रवेश कर रही है। तो ये संक्रांति अलग अलग संक्रांतियों के जिस वाहन होते हैं, तो बाघ पर और उसी के साथ अश्व पर जब आती है, तो ये संक्रांति कई लोगों के लिए जो खासतौर से अनाचार दुराचार या गलत नियत के लोग, उनके लिए ये बहुत घातक होती है। और अश्व की तरह ये विश्व की जो अर्थव्यवस्था को दौड़ाने वाली होती है, क्योंकि उपवाहन अश्व है, इसलिए विश्व में ये बाधा के साथ में गति भी देने वाली है। तो इसलिए ये विशेष तो है ही इस बार वैसे संक्रांति, पर इस संक्रांति के खास से मायने हैं जो दान पुण्य है, वो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करे, जिसके पास देने को कुछ नहीं है वो अपनी शक्ति से लोगों की सेवा करके दान कर सकते हैं, जैसे गंगवाल साहब कर रहे हैं और इनकी टीम कर रही है इस तरह से। एक बड़ा सहयोग कहूंगा गंगवाल साहब का, ये निश्चित रूप से उन परिंदों के लिए
ये जो काम कर रहे हैं, मैं पुरुषोत्तम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार जी, और साहब यहाँ जानना चाहूंगा मैं अक्सर देखता हूँ कि पंचांग जो होता है मकर संक्रांति पर एक तरह से जारी होता है, उसका अपना एक महत्व होता है जिसे हम पतरा भी कहते हैं, कई जगह इसे पंचांग वाचन का भी कार्यक्रम चलता रहता है। क्या भविष्य के कुछ घटनाओं को हम जोड़ सकते हैं कि हाँ भविष्य में मकर संक्रांति के इस फलदाय से ये चीजें भी घटित हो सकती हैं या लाभकारी होता है, शुभकारी होता है कुछ ये मकर संक्रांति? देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है, इस बार जो मकर संक्रांति का आगाज हो रहा है ये शुक्रवार का दिन है और माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष बनी रहेगी। इस दिन तीर्थ धाम पर नदी या सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ये शुक्रवार का जो पर्व है ये लक्ष्मी यानी हमारा भारत का वित्तीय प्रबंधन बड़ा मजबूत होने वाला है। मैं कहूंगा कि ये जो मकर संक्रांति के पर्व पर त्रिग्रही योग भी बन रहा है और जो त्रिग्रही योग है जैसे जिसमें आप देखें मकर में सूर्य शनि और बुध बुधादि योग भी बन रहा है जो कि संपूर्ण विश्व में हमारे भारत के युवा अपनी योग्यता क्षमता शक्ति के सामर्थ्य के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने में लोहा मनाने आएंगे। और वहीं हम बात करें तो मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है जिस पर अभी मेरे बड़े भाई आदरणीय शास्त्री साहब बतला रहे थे, ये संक्रांति विशेष इसलिए भी होती है कि उत्तरायण यहाँ शुभारंभ हो जाता है, दक्षिणायन का अंत होता है, उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। दक्षिणायन की तुलना में उत्तरायण में अधिक मांगलिक कार्य होते हैं, ये बड़ा शुभ फल देने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद गीता में कहा है कि उत्तरायण का महत्व विशिष्ट है, उत्तरायण में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह थी भीष्म पितामह की दक्षिणायन से उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन शुरू हो जाता है और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण हो जाता है, उत्तरायण का प्रारंभ हो जाता है। तो ये मकर संक्रांति पर विशेष तौर पर सूर्य की पूजा का बड़ा महत्व है और मैं आपको निवेदन करूंगा कि सूर्य की जो पूजा है ये प्रत्येक दर्शकों को करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन करनी चाहिए। जब सूर्य किसी भी व्यक्ति का सूर्य जन्म पत्री में जब प्रबल होता है तो उसका जीवन एकदम प्रकाशमान हो जाता है जी। और इसके मंत्र बहुत सरल हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम रीम रीम सूर्याय नमः, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासो जगत परे अनुकंपा माम भक्ता। सूर्य का ये मंत्र लेकर के सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः, भास्कराय नमः, ये पर्यायवाची शब्द पांच बोल करके सूर्य को जल चढ़ाएं। और जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं उस वक्त लाल पुष्प डालें, हल्दी डालें और विशेष तौर पर सफेद तिल। समय का अभाव, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा गुरु साहब। रोहित जी आपके पास आना चाहूंगा, एक सवाल आपसे लूंगा। आपका फोरहेड कट रहा है लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्रेम को, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है पूरी तरह से जी, अभी भी मुझे दिखाई दे रही है आपके यहाँ से हलचल, शायद आप अपने कहीं क्लिनिक में है जहां पे यह सब कुछ चल रहा है, आप ऐसी जगह पे? बिल्कुल अब सही है, बिल्कुल एकदम ठीक है रोहित जी। और आपके यहाँ पे अभी कुछ पक्षियों का कुछ इलाज किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं अगर मैं आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम ये दृश्य उन दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि किसी न किसी की करतूत की वजह से ये बेजुबान जो पक्षी है वो उनके मांझे का शिकार हुए हैं। अगर 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पतंगबाजी नहीं हो तो मुझे लगता है कि ये बेजुबान पक्षी जो आप सामने एक ऑपरेशन थिएटर का जो कमरा है आप उसमें देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितनी मदद कर रहे हैं उन लोगों के लिए। आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि इन बेजुबानों के प्रति थोड़ा रहम बरतिए, अपनी खुशी को आप बदस्तूर जारी रखें लेकिन थोड़ा रहम के साथ में एक समय की मांग कर रहे हैं आपसे ताकि ये बेजुबान अपनी उड़ान भर सके जी। रोहित तैयारी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति के आगे तक आपका ये सिलसिला चलता है जी। वैसे हमारी हेल्पलाइन साल भर चलती है पर इस वक्त मैं आपके माध्यम से एक मदद मांगना चाहूंगा और पूरे समस्त लोगों को बताना चाहूंगा जो अभी ये इस वक्त देख रहे हैं कार्यक्रम, कि अगर समस्त जयपुरवासी 3 चीजों का ध्यान रखें, पहला 6 से 8 वह शाम 5 से 7 पतंगबाजी ना करें, दूसरा चाइनीज मांजा बिल्कुल भी ना खरीदें, तीसरा बची हुई डोर कचरा पात्र में ही डालें। अगर समस्त जयपुरवासी ऐसा कर लेते हैं तो 50% से भी ज्यादा पक्षी
घायल होने से पहले भी बचेंगे। मेरा आपके माध्यम से यही सबसे निवेदन होगा और हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि अगर ये तीन चीजें भी अगर अपन फॉलो करते हैं तो पक्षी घायल होने से बचेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार घायल हो जाता है तो जरूरी नहीं है वो ठीक होने के बाद वापस स्वतः अपनी वापस स्वतंत्र फाइट ले पाए। जी रोहित, एक आपसे एक हम आपके हेल्पलाइन के आपके हम चलाएंगे, जन टीवी पे भी इस हेल्पलाइन को हम कंटिन्यू चलाएंगे, लेकिन आप एक बार दर्शकों से अपील के साथ साथ अपनी हेल्पलाइन या आपके नंबर बता सकते हैं जो वो नोट कर सके, और अगर कहीं भी इसी तरह का कोई पक्षी दिखाई देता है तो उसकी मदद के लिए आपसे कह सके। जी, अपना रक्षा का जयपुर हेल्पलाइन नंबर है 9828500065, मैं हिंदी में बोलूंगा वापस, 98-285-3-0-65। जी, ये जयपुर का हेल्पलाइन है और मैं चाहता हूँ सभी इसको सेव कर लें क्योंकि ये नंबर साल भर चालू रहता है। कभी भी किसी घर पे कोई घायल पक्षी दिखता है आप तुरंत इस पे फोन करें, तुरंत हमारा रेस्क्यू पर्सन वहां के बर्ड को ले जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का। तो हमारे साथ में जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब, पुरुषोत्तम गौर साहब जुड़े, रोहित गंगवाल जी हमारे साथ में रक्षा एनजीओ से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आप निश्चित रूप से कोविड का ख्याल रखें, कोविड आप अपने घर से मनाएं मकर संक्रांति, आप अपने लिए खुशी की इस लकीर को आगे तक लेकर के जाएंगे, बेवजह कहीं ना निकलें। अगर गवर्नमेंट को प्रोटोकॉल बना रही है तो आपकी सेहत के लिए बना रही है, आप उन रूल्स को जरूर फॉलो करें और पक्षियों का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।